राम बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्रावण महीने की सभी को बधाई हो। श्रावण महीना चल रहा है और हिंदू सनातन संस्कृति में श्रावण महीने का एक बहुत श्रेष्ठ महत्व माना जाता है। हरिद्वार कांवड़ यात्रा के लिए भारतवर्ष से भिन्न भिन्न प्रांतों से बड़ी श्रद्धा भक्ति से लोग गंगा जी का जल लेकर आशुतोष महादेव आप समूह में जलधारा करते हैं। यह भारतीय संस्कृति है। हम लोग भी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में गए हुए थे और वहाँ से जल लेकर इस रियासी क्षेत्र से नई बस्ती में जो भगवान शंकर का शिव मंदिर है वहाँ से यह कांवड़ गंगा जल यात्रा 12 अगस्त सोमवार को प्रातः 10 बजे निकलेगी, जिसमें हरिद्वार से जल लाया हुआ कलशों में रखा हुआ है, जिसको लेकर हम नई बस्ती शिव मंदिर से 10 बजे भोलेनाथ शिवखोड़ी के दरबार में यह जल लेकर जाएंगे और वहाँ पर जलाभिषेक भोलेनाथ शिवखोड़ी पर भगवान शंकर पर करेंगे। इस जल यात्रा कांवड़ यात्रा में यहाँ के सभी धर्मपरायण भक्त इस यात्रा में सम्मिलित होकर श्रावण महीने में, जो श्रावण महीने का चौथा सोमवार है, 12 अगस्त को आ रहा है, उस दिन शिवखोड़ी में हम सब मिलकर देश और समाज कल्याण के लिए जम्मू कश्मीर जो आतंक से मुक्त हो जाए, और विशेषतर यह यात्रा जो बाबा अमरनाथ की हिम शिवलिंग यात्रा से पूर्व जो हादसा शिवखोड़ी में हुआ था, उन भाइयों की श्रद्धांजलि किए, उनकी सदगति के लिए ये हमारे मन में ऐसा संकल्प आया है कि श्रावण महीने में हरिद्वार से जल लाकर कांवड़ के रूप में इस क्षेत्र के सभी धार्मिक परायण लोग, सनातन धर्म में श्रद्धा रखने वाले लोग और सभी लोग, क्योंकि जो हादसा हुआ था वो बड़ा दुखद हादसा हुआ है, उनके सदगति के लिए यह यात्रा नई बस्ती शिव मंदिर से 10 बजे 12 तारीख को निकलेगी। मेरी आवाम से अपील है कि सभी लोग इस यात्रा में आएं और भोलेनाथ से अरदास करें। जो लोग हादसा हुआ है उनको सदगति मिले और यह क्षेत्र जो बड़ा अच्छा क्षेत्र है, जहाँ सुख शांति और अमन से लोग रहते हैं, भाईचारे से लोग रहते हैं, ये भोलेनाथ से हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे और भगवान से यही अरदास करेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में अमन हो, उग्रवाद से मुक्ति हो और यह क्षेत्र जो खुशहाल है ये खुशहाल रहे और लोगों के मन में आपसी भाईचारा मजबूत रहे। इसलिए यह कांवड़ गंगा जल यात्रा 12 तारीख 10 बजे नई बस्ती शिव मंदिर से निकलेगी। मेरे मीडिया के बंधुओं से यही अपील है कि सभी लोग इस यात्रा में आएं और भोलेनाथ से अरदास करें। जो सभी भक्त लोग होंगे उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था बनी है, क्या जो अपनी गाड़ी से आए और जैसी व्यवस्था बनेगी उसके अनुसार सभी लोग शिवखोड़ी सोमवार को चलें और भोलेनाथ से इस देश और समाज और राष्ट्र की मंगल कामना के लिए यह कांवड़ जल यात्रा है। जय श्री राम, जय श्री राम, बम बम बोले, बम बम बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। केवल इस वर्ष यात्रा निकाली जाएगी या हर वर्ष इसे रेगुलर फीचर के तौर पर? बात यह है कि जब कोई काम अच्छा शुरू किया जाता है तो अभी तो हम अच्छा शुरू कर रहे हैं और सब भक्तों ने ही करना है, आगे भी चलता रहेगा। श्रावण महीना हम सब लोग अगर विचार करें तो हम सब लोग अपनी संस्कृति से बहुत पीछे हैं। श्रावण महीना भगवान शंकर ने
ऐसा सभी को मानव जाति को संदेश दिया है, आदर आशीर्वाद दिया है कि जो श्रावण महीने में भगवान शंकर की जलधारा करता है उसके जीवन में मंगल होता है। हम इस देश समाज की मंगल कामना को लेकर यह कांवड़ गंगा जल यात्रा निकाल रहे हैं और आगे भी भविष्य में चलती रहेगी, और उनके लिए जो भक्त आएंगे उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था भी हमारे जो सभी सेवा लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं सब मिलकर करेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से यहाँ की आवाम से जो धर्मप्रायण लोग हैं जो सनातन धर्म और जो मानवता पर विश्वास रखते हैं, मैं समझता हूँ अधिक से अधिक लोग उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए यह कांवड़ गंगा जल यात्रा जो शुरू होने जा रही है इसमें अधिक से अधिक लोग आए। और सोमवार का दिन है, सोमवार को तो ऐसे भी भगवान शंकर पर लोग जलधारा करते हैं और श्रावण का सोमवार चल रहा है, ये चौथा सोमवार होगा। मैं समझता हूँ इस हम सब लोग मिलकर अरदास करेंगे तो भोलेनाथ हमारी अरदास को जरूर स्वीकार करेंगे और हम सबके जीवन में मंगल होगा, सुख होगा, शांति होगा, हमारा क्षेत्र में सुकून होगा, हम उग्रवाद से मुक्त होंगे और शांति से अपना जीवन यापन करेंगे।